हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप काफी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमारे, तो हम उसी कंटिन्यू सीरीज को आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने। इससे पहले स्पोर्ट्स की आपके सामने दो वीडियोस आ चुकी हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम स्पोर्ट्स की थर्ड क्लास पढ़ने जा रहे हैं और बहुत जल्दी आपको रूबरू होगा फेस टू फेस आपसे लाइव पे। हम स्पोर्ट्स पर चर्चा भी करेंगे, जो करंट से रिलेटेड हैं, जो इश्यूज बनते हैं, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्राइज वगैरह हैं, सभी पर हम बात करेंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मसूद वलीम का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी है और ये शूटिंग के खिलाड़ी है, निशानेबाजी के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? तो एस विजय लक्ष्मी जो है, इनका संबंध है ऑप्शन नंबर सी चेस। ये चेस खेलती हैं, शतरंज की खिलाड़ी है एस विजय लक्ष्मी, शतरंज से संबंधित है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सैंडी स्ट्रॉम किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? जो क्रिकेटर होते हैं ये अपनी आत्म ऑटोबायोग्राफी भी लिखते हैं, तो सैंडी स्ट्रॉम जो है ये किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का नाम है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संदीप पाटिल की है। संदीप पाटिल इंडियन क्रिकेट टीम के बैट्समैन थे, काफी अच्छे थे। संदीप पाटिल की है सैंडी स्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वॉली स्वैश ये सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉली स्वैश सर्विस, इन शब्दों का यूज कौन से स्पोर्ट्स में किया जाता है? तो ये सारे यूज किए जाते हैं लॉन टेनिस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लॉन टेनिस। नेक्स्ट बात करें, डेविस कप की तरह ही महिलाओं का टूर्नामेंट है, डेविस कप भी होता है उसी तरह से महिलाओं का जो टूर्नामेंट होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी फेड कप। इसका संबंध किससे है? महिलाओं के टूर्नामेंट से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित पर हमें ध्यान देना है कि बैडमिंटन है, बॉलिंग है, गोल्फ है, टेबल टेनिस है, ये चार हमें दिए। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन सा खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, मतलब चारों ही खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं, बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ एंड टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? ओलंपिक खेल जो दुनिया के सबसे बड़े खेलों के अंदर जिनको जाना जाता है, तो बात करें कि इसके अंदर इसके लोगो जो होता है, उसका जो सिंबल होता है, उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी निरंतरता, कंटिन्यूटी जो होता है उसका मेन चिन्ह का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत के अंदर व्यक्तिगत रूप से, मतलब पर्सनली, एक होता है कि पूरी टीम के रूप में, जैसे हॉकी की टीम जीत कर आई, टेबल टेनिस की टीम जीत कर आई, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? के डी जाधव ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां हुआ था? तो 2018 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन हुआ था प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर गोल्ड कास्ट क्वींसलैंड के अंदर 2018 के कॉमनवेल्थ गेमों का ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? पूछ लेते हैं, सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले, सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपना 100वां जो शतक लगाया था वो किसके खिलाफ लगाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
लाहा शाह कप किस खेल से संबंधित है? अजला शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजला शाह कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? फुटबॉल में सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होता है फीफा वर्ल्ड कप, तो सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से संबंधित है डीसीएम ट्रॉफी। नेक्स्ट बात करें, माइकल फेल्स किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है माइकल फेल्स, इनका संबंध है तैराकी से, ये स्विमिंग करते हैं माइकल फेल्स, अमेरिका के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर डॉन ब्रेडमैन ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो क्वेश्चन सिमिलर सा है, सेम क्वेश्चन है कि सर डॉन ब्रेडमैन ने किस खेल के खिलाड़ी हैं, कि कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर जाने जाते थे, काफी रिकॉर्ड्स इनके नाम पर हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो स्पर्श रेखा बताने की जरूरत ही नहीं है, तैराकी में तो कुछ होता नहीं है, जो पहले आ गया विनर हो जाए, फुटबॉल में नहीं है मुख्य, कबड्डी देखा होगा आपने, कबड्डी के अंदर कबड्डी 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 करते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं और उसको खींचते हैं, और उसे जैसे ही अगर वो स्पर्श रेखा को टच कर लेता है तो वो विनर हो जाता है, इसको जिस जिसने टच किया होता है वो सभी क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो स्पर्श रेखा जो खेल है ये कबड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन समूह में फिट नहीं होता है? फ्रेंच ओपन होता है, बिल्कुल सही है, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है, लेकिन ये सिनसिनाटी मास्टर्स क्या होता है, ये नहीं होता है, ये फ्रेंच ओपन यूएस ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी की जगह पर सही आंसर होना चाहिए था विंबलडन ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिरोजशाह कोटला मैदान का नया नाम क्या हो गया है? करंट का क्वेश्चन है ये, फिरोजशाह कोटला जो मैदान था हमारा दिल्ली के अंदर था, इसका नाम चेंज कर क्या रख दिया है, अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया है। अरुण जेटली हमारे देश के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, ध्यान रखना है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा है अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईसीसी विश्व कप 2019 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, यह आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण था, बिल्कुल सही है, 12वां संस्करण था ये, ठीक है, 2019 में जो आईसीसी द्वारा क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये 12वां था, ठीक है, अगला जो होगा 2023 के अंदर वो होगा 13वां। रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में 6 शतक बनाए थे, देखते आगे और क्या है। ऑस्ट्रेलिया का मिशेल स्टॉक इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी था। नेक्स्ट आता है, मोहम्मद शमी और ट्रेट ब्राउट ने इस टूर्नामेंट में हैट्रिक ली थी। रोहित शर्मा है, इन्होंने इस टूर्नामेंट में 6 शतक नहीं लगाए थे, 6 शतक तो लगाने का सवाल, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे, इनके करीबन रन थे मेरे भी 500 के करीब रन थे, 594 के करीब रन थे, तो 6 सेंचुरी तो लगाने का मतलब ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में 6 शतक लगाए, ये कथन सही नहीं है, बाकी सारे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सी ट्रॉफी है जो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, बिल्कुल, देवधर ट्रॉफी का संबंध भी है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध भी है, सीकू नायडू ट्रॉफी का संबंध है, एशेंस ट्रॉफी का संबंध है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध है, लेकिन संतोष ट्रॉफी का संबंध नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संतोष ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 का पुरस्कार किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी जानते हैं लियोनेल मेसी, फुटबॉलर खेलते हैं ये, फुटबॉल के हैं, बहुत शानदार प्लेयर हैं, रोनाल्डो इनके साथ में वो भी काफी अच्छे प्लेयर हैं। तो फीफा के अंदर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 का पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, जो अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं ये लियोनेल मेसी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से समेकित नहीं है? आपको बताने कि कौन सा खिलाड़ी का सही खेल है या नहीं है। तो बात करते हैं पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स, बिल्कुल सही है, बिलियर्ड्स खेलते हैं। अंजलि भागवत शूटिंग, बिल्कुल सही है। मोहम्मद अनस याहिया, ये बॉक्सिंग के नहीं है। दीपा मलिक, बिल्कुल सही, एथलेटिक्स की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मोहम्मद अनस याहिया, इनका ये पेयर नहीं बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंकज अडवाणी ने हाल ही में अपना 22वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब 2019 जीता, यह टूर्नामेंट कहां पर आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार के अंदर खेला गया था यह 22वां 2019 का वर्ल्ड बिलियर्ड खिताब। किसने जीता था? यह पंकज आडवाणी ने, जिनका संबंध है बिलियर्ड्स खेल से। इंडिया के हैं ये, म्यांमार की राजधानी है, ध्यान रखना न्या पाई ताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? ये आपको बताना है कि सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम, लॉन टेनिस में सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होता है ग्रैंड स्लैम, और ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है ऑप्शन नंबर डी, मार्गरेट सिम्थकॉट। क्या रखना है? मार्गरेट सिम्थकॉट है जो सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 126, अगला 2023 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां खेला जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा इंडिया के अंदर। 2019 का हुआ था ये इंग्लैंड और वेल्स के अंदर खेला गया था, और 2023 का खेला जाएगा ये इंडिया के अंदर खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रमंडल खेल 2018 के बारे में सच नहीं है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2018 ऑस्ट्रेलिया में खेले गए थे, बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में खेले गए थे। भारत ने इस खेलों में 36 स्वर्ण पदक जीते और तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। नहीं, ये गलत है। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत ने टोटल 26 गोल्ड मेडल जीते थे, और जो रैंकिंग थी भारत की वो आई थी थर्ड नंबर की, तो ये बी वाला सही नहीं है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक मोटो शेयर द ड्रीम, बिल्कुल सही है, उसका जो मोटो था वो था शेयर द ड्रीम, और डी आता है दोनों ए और बी, नहीं ए सही है सी सही है और डी, डी हम कह नहीं सकते, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो बी गलत है, ठीक है, क्योंकि दोनों ए और बी अगर या लिखता तो फिर हम डी पे लगा सकते थे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत ने इन खेलों में 26 गोल्ड जीते थे और रैंकिंग के अंदर भारत का नंबर था थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहली बार कहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एथेंस, एथेंस के अंदर किया गया था पहली बार खेलों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ओलंपिक खेलों के बारे में सही नहीं है? तो पहले ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किए गए थे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें, पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस में हुआ था, बिल्कुल सही है। सिर्फ 13 देशों ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, यह भी ठीक है। पहले ओलंपिक खेलों में भारत को 10वां स्थान मिला, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि भारत ओलंपिक की मेजबानी कब कर रहा था? शुरुआती भारत मेजबानी करने के लिए ओलंपिक में कब आया? 1920 में आया था, तो 1896 या पहली बार तो भारत खेल ही नहीं सकता, है ना, तो पहले ओलंपिक 1896 में तो भारत खेले नहीं, पक्की बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न कथनों में से किस निम्न कथनों में से ओलंपिक खेलों के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 7वें ओलंपिक खेल बेल्जियम में आयोजित किए गए थे, सही है। 7वें ओलंपिक खेल वर्ष 1920 में आयोजित किए गए थे, बिल्कुल सही है। भारत ने इस टूर्नामेंट में हॉकी में कांस्य पदक जीता था, बिल्कुल सही है। सिर्फ 29 देशों ने 7वें ओलंपिक खेलों में भाग लिया, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है कि भारत ने इस टूर्नामेंट में हॉकी में कांस्य पदक जीता था, ये नहीं। भारत पहली बार ओलंपिक खेलने आया था 1920 के अंदर, ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि उसने हॉकी के अंदर पहला कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस भारतीय ने सबसे पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, भारत के अंदर सबसे पहले गोल्ड मेडल लाने वाले कौन थे ओलंपिक्स के अंदर? व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, टीम की बात नहीं कर रहा। आप सभी जने जानते हैं शूटिंग के खिलाड़ी थे, निशानेबाजी के खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा, यही हमारे भारत देश के लिए क्या लेकर आए, ओलंपिक्स के अंदर पहला गोल्ड मेडल लाने वाले थे अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल से संबंधित है 3 सेकंड्स।
ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित किस खेल से है? ईरानी कप, एक्सचेंज ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रानी उमलीगढ़ ट्रॉफी, इन सभी का संबंध प्यारे बच्चों किससे? क्रिकेट से संबंधित है। ये सारी ट्रॉफीज और कप दिए जाते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ध्यान रखना सी। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? वो कौन सा खेल खेलती है सानिया मिर्जा? लॉन टेनिस की खिलाड़ी है सानिया मिर्जा, ये लॉन टेनिस खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपरकट किस खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉक्सिंग से संबंधित है अपर कट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खो खो में कितनी क्रॉस लेंथ होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। क्या होती है? क्रॉस लेंथ होती है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? यह सभी को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। इस 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, और आपको यह भी बताना है कि स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। तो आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, और दूसरा हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है आपने मुझे, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? तो देखो प्यारे बच्चों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल को खेलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर GS रामचंद्रन, ये हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहां हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? किस खेल की टीम के अंदर, ऐसी कौन सा खेल है जिसकी टीम में मेल और फीमेल दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्फ बॉल। ये ऐसा खेल होता है जिसमें एक टीम के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। एक ये भी बात ध्यान रखना, गोल्फ सबसे अमीरों का खेल या सबसे महंगा गेम कौन सा है, वो है गोल्फ ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको बताना है कि ब्राजील और इटली ने फुटबॉल विश्व कप 4-4 बार जीता है। यहीं पे पढ़ लो, इसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन का कथन एक ही गलत है ना, तो ABCD एक ही क्वेश्चन का इसका कथन गलत होगा। ब्राजील और इटली ने फुटबॉल विश्व कप 4-4 बार जीता है। आपको बताया था सबसे अधिक बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है ब्राजील, और अब तक ब्राजील 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है, सबसे ज्यादा बार। तो 4 बार तो हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला फुटबॉल विश्व कप 2018 में हुआ था, रूस में आयोजित किया जाएगा, किया गया था, बिल्कुल सही है। फुटबॉल विश्व कप का पहला विजेता अरुग्वे था, बिल्कुल सही है ये भी। पहली बार फुटबॉल विश्व कप 1930 में आयोजित किया गया था, और कहां पर किया गया था? अरुग्वे में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। किस ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? कौन से ओलंपिक चल रहे थे? पहला नंबर था, दूसरा नंबर था, पांचवा नंबर था? तो ऑप्शन नंबर ए, 9वें ओलंपिक में भारतीय टीम ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो फर्स्ट टाइम राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 1930 कनाडा के अंदर, खेले गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। कहां पर हुए थे यह भी ध्यान रखना है, 1930 में पहली बार हुए थे, कनाडा के अंदर खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक खेल जो होते हैं उसका जो सिंबल होता है आपने देखा होगा, फ्लैग, व्हाइट कलर का पीछे फ्लैग होता है, मतलब ठीक है, उस पे 5 छल्ले लगे होते हैं। तो 5 छल्ले जो होते हैं वो 5 महाद्वीपों को बताते हैं, ध्यान रखना है। कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच डैश के बीच खेला गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। पहला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 1975 में लंदन में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है।
लंदन के अंदर इंग्लैंड में खेला गया था। इंग्लैंड को फाइनल में रोकने के बाद वेस्ट इंडीज ने पहली बार विश्व कप जीता। आगे देखते हैं, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में स्थित है। देखते हैं आगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1927 में, बिल्कुल सही है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना हुई थी अप्रैल 1927 में, सही है। आईसीसी का हेड ऑफिस कहां पर है? दुबई यूएई के अंदर है। और पहला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 लंदन में आयोजित किया गया था। इंग्लैंड को फाइनल में हराने के बाद वेस्ट इंडीज ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता, यह सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है इसका। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में किस देश को अधिकतम बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है, मतलब ओडीआई वनडे मैचों के अंदर वर्ल्ड कप में किस देश को सबसे अधिक बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है? तो वो है इंग्लैंड। वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप डैश में आयोजित किए जाएंगे। अभी आपको बताया 2023 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर खेले जाएंगे? भारत के अंदर खेले जाएंगे। आज की क्लास का हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है कि फीफा के अध्यक्ष हैं, फीफा के फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, और फुटबॉल में सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होता है फीफा वर्ल्ड कप, और फीफा का हेड ऑफिस कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और करंट टाइम पे इसके चेयरमैन है जियानी इन्फेंटिनो को। ये बताने की किस देश से बिलोंग करते हैं, तो इनका संबंध है स्विट्जरलैंड से, क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और फीफा का हेड ऑफिस भी ध्यान रखना है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए टॉपिक को नए डिटेल से करंट अफेयर के साथ जोड़कर पढ़ेंगे स्पोर्ट्स को। तो तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, खूब मन लगा के पढ़ते रहें, यही हम सबका आपके लिए प्यार है। थैंक यू स्टूडेंट्स।